सभी साथियों को क्रांति करी जय भीम। मैं सुनील कुमार एडवोकेट, लीगल सेल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का, मैं दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट। आज हमने जो ये आप सभी को यहाँ पे बुलाया है वो ये बताने के लिए बुलाया था कि जो रविदास मंदिर के उसमें हमारे जो 96 भाई जेल के अंदर चले गए थे, जिसकी हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी और उसके जब वो डिसमिस हो गई थी तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनकी बेल लगाई है। आज उन्हीं में से एक गौरव, जिस सन ऑफ श्री महावीर, रेजिडेंट ऑफ नियर हरिजन चौपाल विलेज श्यामगढ़ डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा का जो हमारा मूल निवासी भाई है, उसका पेपर सोमवार को एसएससी क्लर्क का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर था और उसके अंदर, क्योंकि वो अपने गांव के अंदर अकेला, जिसने 12वीं क्लास पास कर रखी थी अपनी बिरादरी के अंदर, उसने ये फार्म भर रखा था। तो हमने कोर्ट में ये कहा था कि जी ये इसका फैसला अभी आने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसका पूरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, अकेला ये अपने गांव से पढ़ा लिखा आदमी है नौकरी के लिए, यही एक अकेला माँ बाप की एक आशा है और इसको पेपर के लिए इसको परमिशन दी जानी चाहिए और हमने इसके लिए कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन अपनी लगाई थी, जो कि आज डॉक्टर नीरा बरियो का एडिशन सेशन जज साकेत कोर्ट ने हमारी वो बेल एप्लीकेशन उसको पेपर देने के लिए अलाउ कर दी है। अब वो हमारा भाई सोमवार को पंचकुला में उसका जो पेपर है वो आराम से अपना पेपर दे सकता है। अच्छा, तो क्या वो अभी मतलब पेपर देकर फिर दोबारा जेल चला जाएगा या फिर बाहर रहेगा? नहीं, वो अभी उसको पेपर देने के लिए परमिशन दी गई है। बात ये है कि अभी तक इन 96 बंदों में से कोई भी हमारा मूल निवासी भाई बाहर नहीं आया था, ये पहला हमारा भाई होगा जिसको हमने बाहर निकाला है। जब एक बंदे को हम बाहर निकाल लेते हैं और दोबारा वो वापस चला जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग हमारा प्राइमा फेसाई केस बन जाता है उसको दोबारा से बाहर निकालने के लिए, कि इसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी थी जो उसने कोर्ट ने जो हमारी बेल एप्लीकेशन डिसमिस करी थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये फ्ली फ्रॉम जस्टिस एंड दे कैन हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो दोनों चीज़ें, इसी के साथ ये मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जब ये कोर्ट, जब ये जेल से बाहर निकलेगा ये कोर्ट से भागा नहीं है, वापस जेल में जाएगा तो कोर्ट की जो प्रिजम्पशन था कि ये भाग जाएंगे, तो ये भागने की और दूसरा ये इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेंगे, दोनों की दोनों ये चीज़ें गलत साबित हो जाएगी और इससे हमें जो बाकी हमारे जो साथी हैं उनको बाहर निकालने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। कितने दिन के लिए बाहर आए हैं? ये इसको पेपर देने के लिए, जो सोमवार को पेपर है, सोमवार को पेपर देने तक के लिए उसको बाहर निकालने के ऑर्डर हुए हैं कि सोमवार को ये पेपर दिलवा के वापस इसको तिहाड़ जेल में लेकर जाएंगे। उनको इस संडे को, वो इस संडे को उसको बाहर निकाला जाएगा, एक दिन पहले। और मैं, क्योंकि इनका जो पेपर सुबह सुबह 8:30 बजे का पेपर है सोमवार को, तो वहाँ पे उसके सही ढंग से पेपर दे सके, तो ऐसे ही उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्शन दी है आईओ को कि वो पूरी व्यवस्था करे एज पर ला और इसको पेपर दिलवा के वापस पेपर ले। लेकिन वो पेपर देंगे, लेकिन तैयारी तो उनकी कुछ भी हुई नहीं होगी क्योंकि एक दिन पहले छोड़ा जाएगा, वो पेपर देंगे क्या? देखो, कोर्ट के अंदर हमने सारी बातें रखी थी, वो कोर्ट का अपना एक अलग वर्जन था। आज शुक्रवार है, शनिवार और इतवार केवल एक ही दिन है अगर तैयारी के लिए, क्योंकि हमारे पास इनके जो फादर ने, उनके जो रिश्तेदारों ने अभी अप्रोच करा था, अगर ये हमें पहले कागज़ दे देते तो हम इनके लिए पहले ट्राई कर चुके होते। हमें कागज़ अभी मिले हैं, जैसे ही हमें कागज़ मिले हैं उसी टाइम हमने कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन लगाई। ये जो 51 एप्लीकेशन लगाई थी, उन्हीं में से ये बच्चा बाहर आने वाला है, इसके अलावा है कोई? ये उन्हीं में से एक है, ये उन्हीं में से एक हमारा भाई है। दरअसल आपने बेल याचिका के लिए वकील साहब जो बनाई थी, और जो दूसरा विपक्ष है वकीलों का, जो दूसरा कोर्ट है, वो आप पे आरोप लगा रहा है कि आप सेशन कोर्ट से आपकी जो बेल याचिका निरस्त होगी, आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में मामला ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए वो आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि वो वहाँ पर उनको याचिका ना लगाने दें हाई कोर्ट। हमने जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी हमने किसी के हाथ बांध के नहीं रखे हुए थे, हमारी बेल एप्लीकेशन से पहले
वे बेल एप्लीकेशन अपनी लगा सकते थे या इसके बाद भी लगा सकते थे। ना उन्होंने इस बेल एप्लीकेशन से पहले कोई बेल लगाई है ना इसके बाद लगाई है। जो हमारी जो बेल एप्लीकेशन के अंदर ये जो कूदे थे और कूदने के बाद ये कह रहे थे कि मीडिया के अंदर जाकर ये सारी बेल एप्लीकेशन हमने लगाई है, डिसमिस होने से एक दिन पहले तक उनका ये क्लेम था कि ये बेल एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं और हम ही इसको आर्ग्यू कर रहे हैं, वो उनका सारा क्लेम डे वन से झूठे साबित हो रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जिस दिन थाने के अंदर पहली बार अदालत लगी थी, हम इन मूल निवासी भाइयों से हम मिले थे वहाँ पे, हमने वकालतनामे जब इनके लिए थे उस दिन ये क्लेम कर रहे थे कि हमने 96 के 96 आदमियों के वकालतनामे ले लिए हैं और हम 96 की बेल लगाएंगे। हमारा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का उस दिन का भी वर्जन यही था कि हमारे पास 43 लोगों के वकालतनामे हैं और हम 43 लोगों की बेल लगाएंगे, क्योंकि जिसके पास जो वकालतनामे होगा तो उसी के बाद अपने क्लाइंट की पैरवी कर सकते हैं। तो उन्होंने उस दिन से लेके जिस दिन तक कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, जिस दिन हमारी ये बेल एप्लीकेशन अगर डिसमिस भी हो गई है उसके बाद भी कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई। मैं इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि चालान फाइल करने में अभी टाइम है। चालान फाइल इसके दौरान अगर हमें कहीं से हमें अपने जो मूल निवासी भाइयों को जल्द से जल्द बाहर निकालना है, जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए अगर ये कोर्ट नहीं मान रही है तो हमें हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर वो अपनी याचिका दायर करी है। हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि हमें इस कोर्ट ने न्याय नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जब पुलिस वाले अपने चालान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे हम जब तक की इंतज़ार करेंगे। हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अपने मूल निवासी भाइयों को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। हमने इस चीज़ के अंदर केवल ये नहीं कि हमारा एक ये लीगल एंगल ही है, हमने इसको सोशल पॉलिटिकल चारों तरफ से सब जगह प्रेशर बना के रखा हुआ है। इवन हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी हम लेटर दे के आए हैं, तो उनको यहाँ भी फरियाद करी कि ये इल्लीगल डिटेन हुए हैं, इल्लीगल डिटेन है, पुलिस वालों ने जानबूझ के हमारे मूल निवासी भाइयों को फंसाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर नहीं करा था कि ये इस मंदिर रविदास मंदिर जी को तोड़ दिया जाए, ये पुलिस वालों ने जानबूझ के इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को हवाला देके ये 96 लोगों को गलत फंसाया हुआ है।